और श्रीकांत त्यागी से जुड़ी हुई स्पीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गालीबाज श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीकांत त्यागी से जुड़ी बड़ी खबर, गालीबाज श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार हो गया है। फरार होने का मामला और लगातार पुलिस दबिश दे रही थी इसे गिरफ्तार करने के लिए, और बड़ी खबर, श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। श्रीकांत त्यागी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, 25,000 का इनामी लंगड़ा त्यागी गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पिछले 4 दिनों से लगातार पुलिस की तमाम टीमें, नोएडा की पुलिस उसको ढूंढने के प्रयास में लगी थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। और अभी ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि लंगड़ा त्यागी और श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार हो चुका है। श्रीकांत त्यागी से जुड़ी बड़ी खबर, गालीबाज श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त 25,000 का इनामी लंगड़ा त्यागी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने गिरफ्तार किया है श्रीकांत त्यागी को। हालांकि कहां से ट्रैक किया गया उसे, किस लोकेशन से गिरफ्तार किया गया, ये अभी तक जानकारी नहीं सामने आ पाई। लेकिन ये इतना जरूर कह सकते हैं कि गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पीच बड़ी खबर, 25,000 का इनाम रखा गया था लंगड़ा त्यागी तक के ऊपर। और आपको बता दें कि ये भी था कि जिस व्यक्ति को ये व्यक्ति दिखे वो व्यक्ति उसको इनाम मिलेगा। लेकिन अब पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीकांत त्यागी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार कर लिया गया है। 25,000 का इनामी श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार कर लिया गया है। महिलाओं से अभद्रता का ये पूरा मामला था, एक वीडियो सामने आया था, और उसके बाद लगातार पुलिस इसे पकड़ने की कोशिशें कर रही थी, लेकिन लगातार ये पुलिस के चंगुल से दूर था। दानिश अजीज हमारे साथ जुड़ गए हैं, दानिश जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दानिश, और क्या अपडेट है, बड़ी खबर है इस बीच, श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार हो गया? देखिए, अभी सूचना आ रही है कि लखनऊ से जो है श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार जिस तरीके से सुबह से भारत समाचार इस बात को बता रहा था, कोई ना कोई पावरफुल व्यक्ति इसका साथ दे रहा है, और शायद यही वजह है कि लखनऊ से गिरफ्तारी अपने आप में दर्शाती है कि वहां पर किसी व्यक्ति ने इसको शरण दी थी और वहां पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। जो लोकल पुलिस है नोएडा की, उनको अभी इस बात की जानकारी नहीं है, आधिकारिक पुष्टि उन्होंने नहीं करी है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, जो टीमें लगी हुई उनसे जो हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि त्यागी गिरफ्तार किया गया है और अभी कुछ ही देर में उसको जो है कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा लखनऊ की, और उसके बाद ट्रांजिट रिमांड लेकर उसको नोएडा लाया जाएगा। जी जी, और क्या कुछ जानकारी है दानिश, कहां से इसे ट्रैक किया गया और क्या कुछ अपडेट है आपके पास दानिश? अभी को देखिए, अभी बहुत ज्यादा जानकारियां निकल के नहीं आई हैं कि आखिर लखनऊ के किस इलाके से इसको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई कई एक हस्ती है, उस हस्ती के पास इसको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि बहुत ज्यादा जानकारी अभी लखनऊ के सोर्सेस ने नहीं दी है, लेकिन हाँ ये कन्फर्म हो रहा है कि हाँ गिरफ्तारी हो चुकी है और जल्द से जल्द इसको कोर्ट में वहाँ प्रोड्यूस किया जाएगा, ट्रांजिट रिमांड किया जाएगा, और उस ट्रांजिट रिमांड के बाद ये नोएडा लाया जा सकता है। जी बिल्कुल, दानिश जिस तरीके से गिरफ्तारी अब इसकी हो गई है, ये माना जा सकता है कि कुछ बातें इसके पास से निकल कर जरूर सामने आ सकती है दानिश, कुछ खुलासे भी हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से 5 दिन से ये लगातार फरार है, तो उसमें जो है कई ऐसी जानकारियां निकल के सामने आएंगी जिससे साबित होगा कि इसकी लोगों ने मदद करी, किन लोगों ने मदद करी, वो भी अब पुलिस की रडार पे रहेंगे कि आखिर किन लोगों ने 5 दिन तक उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी कराई और किस तरीके से इसको शरण दी। लिहाजा ये कहना अभी मुश्किल है कि आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने मदद करी, लेकिन हाँ ये सच है कि हाँ जिस तरीके से त्यागी लगातार 5 दिन से अपनी जगह बदल रहा था, जिस तरीके से वो अपनी गाड़ियां बदल रहा था, तो कोई ना कोई व्यक्ति इसके साथ जरूर था जो इसको गाड़ियां उपलब्ध करा रहा था, भागने में मदद कर रहा था। तो ऐसे में उन व्यक्तियों का पता लगना बहुत जरूरी है जिन लोगों ने इसकी मदद करी। फिलहाल चूंकि अभी अभी की यह घटना है, घटनाक्रम शुरू हुआ है, तो लिहाजा थोड़ा सा वक्त लगेगा अभी नोएडा पुलिस को भी सारी जानकारी लेने में। दानिश आप बने रहिए हमारे साथ, और हमारे साथ हमारे सही